everybody, a very warm welcome to An Academy. I really hope that you people are fine and doing good. And आज के इस वीडियो में हम लोग जो हैं, so basically I'll just give you a brief about what we're going to do today, because आप लोगों को लग रहा होगा कि यार मैम रिकॉर्डिंग क्यों कर रही है, मैम लाइव क्यों नहीं आ रही. तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग चार ऐसी कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशंस को कंपेयर करेंगे. और ये आपके CUET में आपको बहुत मदद करेगा, आपके MCQs में आपको बहुत मदद करेगा, बिकॉज ये सब कुछ जो है आपको कराया जाएगा. एंड एट द सेम टाइम डू नॉट फॉरगेट, अगर आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइज ये सारे नोट्स ना आपको अनअकैडमी प्लस पे एक्सक्लूसिवली मिलते हैं बाय ऑल दी एजुकेटर्स. तो अगर अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खुशी10 इज द कोड. एंड गाइज गो एंड सब्सक्राइब राइट अवे. अनअकैडमी CUET को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो. ये सीरीज के अंदर हम लोग आज शुरू करने वाले हैं इंडियाज रिलेशन विद रशिया, और सेकेंड नंबर पे होगा इंडियाज रिलेशन विद US, तीसरे नंबर पे होगा इंडियाज रिलेशन विद, एनी गेसेस, इंडियाज रिलेशन विद इज़राइल, और चौथे नंबर पे होगा सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल, इंडियाज रिलेशन विद पाकिस्तान. ओके जी, तो आज तो बेसिकली मैं सब लोगों को ये बात बता दूं कि आज हम लोग इंडियाज रिलेशन विद रशिया पढ़ेंगे, ठीक है. बहुत डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे. CUET में इन सब की क्या रेलेवेंस है, तो बेटा CUET के अंदर ये सब कुछ ना आपके क्लास 12th के सिलेबस का है. जैसे इंडिया और US का रिलेशन एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से पूछा जाता है, इंडिया और USA का रिलेशन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी से पूछा जाता है, इंडिया एंड इसराइल का रिलेशन भी इंडियाज फॉरेन पॉलिसी में पूछा जाता है, और इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में पूछा जाता है. तो ये सब कुछ क्लास 12th का है, आपके छोटे छोटे टॉपिक्स जो है वो कवर किए जाएंगे. तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द सेशन. आज हम इंडियाज रिलेशन विद रशिया पढ़ेंगे. जस्ट मेरे को एक बार देखने दो कि रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही है. हाँ जी, तो फिर चलिए करते हैं सेशन को स्टार्ट फटाफट से. सबसे पहले तो बच्चा बारी इंडियाज रिलेशन विद अगर रशिया की बात करें तो आपको इतनी बात पता होनी चाहिए, यू गाइस शुड बी अवेयर अबाउट द फैक्ट कि आई टेल यू व्हाट. सो जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, इंडिया और रशिया का जो रिलेशनशिप है ना वो शुरू हुआ था 1991 ऑनवर्ड्स, है ना, ये बात तो हम सब लोगों को पता है. लेकिन इससे पहले क्या था, इससे पहले इंडिया और USSR का रिलेशन था, ठीक है. तो हमने इस पूरे टॉपिक को दो भागों में डिवाइड कर रखा है, इंडिया एंड USSR का रिलेशन इन कोल्ड वॉर एरा एंड इंडिया एंड इंडिया एंड रशिया का रिलेशन पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, ठीक है जी. तो दैट इज व्हाट दैट वी गोना डू. अपने रजिस्टर्स पेन पेंसिल्स लेके बैठ जाओ क्योंकि हम लोग करने वाले हैं शुरुआत. तो सबसे पहले इंडियाज रिलेशंस विद इंडियाज रिलेशन ड्यूरिंग कोल्ड वॉर के दौरान की बात करते हैं. इंडिया का रिलेशन रशिया के साथ तो नहीं था ना, USSR के साथ था. तो इंडिया का रिलेशन USSR के साथ था ड्यूरिंग कोल्ड वॉर. ड्यूरिंग कोल्ड वॉर मतलब 1945 से लेके 1991 तक इंडिया का रिलेशन USSR के साथ कैसा था, ये डिस्कस करते हैं. दो इंडिया लेड नॉन अलाइन मूवमेंट, आप सब लोगों को पता है यार ये कहानी मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी. USA ने अपना एक मिलिट्री अलायंस फॉर्म किया जिसका नाम था नेटो, USSR ने अपना एक मिलिट्री अलायंस फॉर्म किया जिसका नाम था वॉर्सो. इंडिया को जो है वो प्रेशराइज किया जा रहा था आइदर टू ज्वाइन नेटो और टू ज्वाइन वॉर्सो, लेकिन इंडिया ने ना ही नेटो ज्वाइन किया ना ही वॉर्सो ज्वाइन किया, इंडिया ने नॉन अलाइन मूवमेंट को इनिशिएट किया. ये बात तो सब लोगों को पता है. वेरी क्लोज टाइज इमर्ज्ड बिटवीन द बिटवीन इंडिया एंड USSR राइट सिंस इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के टाइम से ही इंडिया और USSR के रिलेशन, इनफैक्ट इंडिपेंडेंस से पहले भी इंडिया और USSR के रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अच्छे नोट पे स्टार्ट हुए थे. इनफैक्ट मैं अब बहुत सारे बच्चों को अपनी प्लस क्लासेस में बताती भी हूँ कि सुभाष चंद्र बोस जी जो है उनको बहुत फर्म विश्वास था कि यार रूस की आर्मी मतलब रशिया की आर्मी जो है वो हमारे देश को आज़ादी दिलाएगी. तो वो रूस गए थे, रशिया गए थे, वो वापस नहीं आए बिकॉज ऑफ सम
कॉन्स्पिरेसी एंड एवरीथिंग, वो बात की बात है जब हम बाद में डिस्कस करेंगे. बट इवेंचुअली इन लोगों को इतना फेथ था रशिया पे या यूएसएसआर पे एज एन इंटायर कंट्री. ओके, उन लोगों को था कि यार रूस हमारा एक अंश है. सो दैट इज वॉट. उसके बाद सोवियत यूनियन एक्सरसाइज, अब आप लोगों को पता है सोवियत यूनियन एक P5 कंट्री थी. P5 मतलब जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, जिनके पास वीटो पावर है, तो उसमें से एक सोवियत यूनियन भी थी. तो बेटा सोवियत यूनियन ने इंडिया के लिए काफ़ी बार वीटो पावर का इस्तेमाल करा है इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडिया को बचाने के लिए. सोवियत यूनियन एक्सरसाइज वीटो इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल टू ब्लॉक एंटी इंडिया इनिशिएटिव्स ऑन कश्मीर इशू. कश्मीर इशू पे जब एंटी इंडिया इनिशिएटिव्स जारी किए जा रहे थे, तो सोवियत यूनियन ने अपना वीटो इस्तेमाल करके उस समय उस डिसीजन को रोका था. ड्यूरिंग 1957 भी सोवियत यूनियन ने अपना वीटो इस्तेमाल किया इंडिया के लिए, और 62 के अंदर भी अपना वीटो इस्तेमाल किया इंडिया के खिलाफ, इंडिया के लिए बेसिकली. ड्यूरिंग 1971 इंडो पाक वॉर्स सोवियत यूनियन कास्ट 3 वोट्स इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. इंडो पाक वॉर हुई थी, सब लोगों को पता है कब हुई थी, किसी को पता है इंडो पाक वॉर कब हुई थी? इंडो पाक वॉर हुई थी, ये बात हो रही है 1971 की. 1971 में याद है बांग्लादेश क्राइसिस हुए थे, तो उस टाइम पे जब इंडो पाक वॉर हुई थी, तो सोवियत यूनियन ने लिटरली हमारे लिए 3 बार वीटो इस्तेमाल करा था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टू ब्लॉक द अटेम्प्ट टू स्टॉप इंडिया फ्रॉम इट्स ऑन गोइंग मिलिट्री कैंपेन. क्योंकि देखो ना क्या था, अब इंडिया जो है, अब इंडिया में 80 लाख माइग्रेंट्स आ गए थे, 80 लाख ईस्ट पाकिस्तान के लोग आ गए थे. तो अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अपनी आर्मी भेजी ईस्ट पाकिस्तान में लड़ाई झगड़े करने के लिए, इवेंचुअली लड़ाई झगड़े करने के लिए और वेस्ट पाकिस्तानियों को वहां से भगाने के लिए. तो जब यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इंडिया को रोकने की बात चल रही थी कि भैया ईस्ट पाकिस्तान में तुम अपनी आर्मी नहीं भेज सकते, तो सोवियत यूनियन ने हमें 3 बार वीटो इस्तेमाल करके जो यूनाइटेड नेशंस का जो अटेम्प्ट था हमारे देश को स्टॉप करने का, ईस्ट पाकिस्तान में ऑपरेशन को स्टॉप करने का, उसको हटाया. मतलब यूनाइटेड नेशंस के डिसीजन को इंडिया पे इम्पैक्ट नहीं होने दिया. तो 3 बार वीटो तब भी इस्तेमाल करी थी सोवियत यूनियन ने. USSR remained neutral. अब देखो 62 में इंडो चाइना वॉर हुई थी, सब लोगों को पता है साइनो इंडिया वॉर भी कहते हैं इसे. इस टाइम पे USSR जो है वो न्यूट्रल रहा, क्योंकि उस टाइम पे ना USSR और चाइना की आप ऐसे मान लो कि बनती थी थोड़ी, ठीक है, USSR और चाइना की बनती थी और इंडिया और USA की तो बनती थी. तो भैया ना USSR चाइना के अगेंस्ट हो सकता था, ना USSR इंडिया के अगेंस्ट हो सकता था. वो तो USSR की बाद में चाइना से लड़ाई हुई 1969 में, एंड उसके बाद जाके कहीं जो है इवेंचुअली चीज़ें खराब हुई USSR और चाइना के बीच में. बट 62 के टाइम पे USSR और चाइना के रिलेशंस फेयरली फाइन थे. सो USSR रिमेन न्यूट्रल ड्यूरिंग 1962 साइनो इंडियन वॉर एंड ब्रोकर्ड पीस बिटवीन. एंड आप लोगों को याद है 1965 की इंडिया पाकिस्तान वॉर, उसके बाद 1966 का तशकंद अग्रीमेंट. वो तशकंद अग्रीमेंट को भी किसने इनिशिएट किया था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस लाने की किसने बात करी थी, USSR के लीडर ने करी थी. तशकंद जो है वो उस टाइम पे USSR का हिस्सा था, उज़्बेकिस्तान USSR का हिस्सा था, ठीक है. तो मतलब आप ये समझो कि यार रशिया या लेट्स से USSR के रिलेशंस जो हैं हमारे देश के साथ बहुत अच्छे नोट पे थे. कोल्ड वॉर एरा के दौरान भी हमें काफ़ी बार USSR ने बचाया है. 1971 के अंदर इंडो सोवियत पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन प्रूव टू बी अ ग्रेट हेल्प इन 1971 वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान. सो इंडो सोवियत ट्रीटी साइन करी थी, याद है तुम लोगों को, जिसको हम फ्रेंडशिप ट्रीटी कहते हैं. वो फ्रेंडशिप ट्रीटी भी इंडिया और सोवियत यूनियन ने साइन करी थी टू ब्लॉक दी एक्सिस, मतलब टू ब्लॉक दी पाकिस्तान USA एंड चाइना का एक्सिस. क्योंकि पाकिस्तान की टीम में USA था, क्योंकि पाकिस्तान ने नेटो ज्वाइन कर रखा था और चाइना हमारे अगेंस्ट था 71 के दौरान. तो इवेंचुअली US, चाइना और पाकिस्तान के एक्सिस को ब्रेक करने के लिए इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी थी 1971 में. एंड वो एक काफ़ी हेल्प हम लोगों को मिली उस ट्रीटी के साथ, क्योंकि यार हम सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान का तो चलो सामना कर देते, बट हम सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान, US और चाइना तीनों देशों का सामना नहीं कर पाते. तो ये बहुत इम्प्रैक्टिकल थी, तो हमने मदद मांगी और हमें मदद मिली. सो दैट इज़ समथिंग दैट एक्चुअली हैपेंड. उसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमिक रिलेशंस की, तो भैया दोनों देशों के इकोनॉमिक रिलेशंस कैसे हैं,
तो सोवियत यूनियन प्रोवाइडेड टेक्निकल असिस्टेंस टू इंडिया फॉर एस्टैब्लिशिंग कोर इंडस्ट्रीज, जो कोर इंडस्ट्रीज जो सेटअप करनी है ना, जो मेन इंडस्ट्रीज जो सेटअप करनी थी, तो यूएसएसआर ने इंडिया की काफ़ी उसके अंदर क्या किया, काफ़ी उसके अंदर मदद करी। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ क्लियर विद एवरीबडी, सबको समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है। सो यूएसएसआर ने काफ़ी टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करी इंडिया को फॉर एस्टैब्लिशिंग इट्स कोर इंडस्ट्री, इट गेव एड इंडिया को यूएसएसआर ने काफ़ी, क्योंकि यार हम अभी अभी इंडिपेंडेंस हुए थे 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, तो 47 में जब हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिली तो उस गिवन पॉइंट इन टाइम पे यार हम लोगों को किसी ना किसी की तो मदद चाहिए थी ना, स्पेशली टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था, तो उस टाइम पे यूएसएसआर ने इंडिया की काफ़ी ज़्यादा मदद करी थी, टेक्निकल असिस्टेंस काफ़ी दी, काफ़ी सारे प्लांट्स खोले, जैसे भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम में प्लांट्स खोले, मशीनरीज लाइक BHEL, द एनर्जी सेक्टर, इट हेल्प इन सेटिंग अप ऑफ ONGC, ONGC भी यूएसएसआर के देन ही है बेसिकली, आप ऐसा कह सकते हो, सेटअप किया गया था। सोवियत यूनियन इनफैक्ट ये सबसे बड़ा स्टेप किया सोवियत यूनियन ने, इमेजिन कीजिए अब फॉरेक्स का मतलब क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज है ना, तो अगर आपको बाहर से कोई भी सामान खरीदना है तो आपके पास डॉलर होना चाहिए, बिकॉज डॉलर इज द वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करेंसी। हमारे पास वी वर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ दैट फॉरेक्स, दैट डॉलर, तो सोवियत यूनियन ने इंडियन रूपी में भी ट्रांजैक्शन लिया है। सो सोवियत यूनियन एक्सेप्टेड इंडियन करेंसी फॉर ट्रेड व्हेन इंडिया वाज शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कम थे तो इंडियन करेंसी तक सोवियत यूनियन ने एक्सेप्ट करी है। सो दैट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप वी हैड विद सोवियत यूनियन। अब तो सोवियत यूनियन रहा नहीं, डिसइंटीग्रेट हो गया, अब हम रशिया के साथ यूएस इंडिया के रिलेशन पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं 21st century के टाइम पे, मतलब 21वीं सदी इंडो रशिया रिलेशंस के बारे में, जो है आपका पोस्ट कोल्ड वॉर। ठीक है जी, सो 1991 में क्या होता है, 1991 में टू वाटरशेड मोमेंट्स हैपन। ठीक है, 1991 में दो वाटरशेड मोमेंट होते हैं। सबसे पहला इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड सोवियत यूनियन। याद है आपको 1991 में इंडिया में LPG इंट्रोड्यूस हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो वो इंट्रोड्यूस हुआ। साथ ही साथ सोवियत यूनियन जो है वो भी डिजोल्व हो गया, तो पुतिन जो है वो रशिया के प्रेसिडेंट बन गए। कब बने पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट, 1991 में? नहीं जी, 1991 में कौन बने थे, बोरिस येल्सिन। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन बने 2000 के अंदर, एंड तब जाके इंडिया और यूएसए के रिलेशन, इंडिया और रशिया के रिलेशन जो है वो एक तगड़े स्टैंड पे आए। मतलब आप ये समझ लो कि 1991 से लेके 2000 तक इंडिया और रशिया के रिलेशन बिल्कुल, बहुत ही, आप ऐसे समझ लो कि बस हमें पता था कि ये कंट्री अब एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ ऑल, इससे ज़्यादा और कोई रिलेशन नहीं। वो तो पुतिन आए बाद में, फिर पुतिन ने इवॉल्व किए हमारे रिलेशन, रशिया और इंडिया के रिलेशन, एंड तब जाके हमारा स्ट्रॉन्ग बायलैटरल टाइल जो है, सॉलिड फाउंडेशन जो है, जो इतनी सदी पुरानी जो फ्रेंडशिप थी वो दोबारा से रिवाइव। सो बायलैटरल टाइज वर पुट ऑन अ सॉलिड फाउंडेशन अगेन आफ्टर दी आफ्टर अबाउट अ डेकेड, डेकेड मतलब 10 साल। ठीक है, आफ्टर अबाउट अ डेकेड पोस्ट सोवियत कन्फ्यूजन एंड स्टैग्नेशन। तो भैया 1991 से लेके 2000 तक इंडिया और रशिया के रिलेशन बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। 2000 onwards जब पुतिन पावर में आए तो दोबारा से इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो रशिया के साथ इवॉल्व हुए विद द हेल्प ऑफ और विद द इनिशिएटिव ऑफ द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया। ठीक है जी, उसके बाद क्या होता है, अगर बात करें ट्रेड की, तो भैया ट्रेड का तो एक ऐसा मामला है कि काफ़ी अच्छा खासा ट्रेड है इंडिया और रशिया के बीच में आज के टाइम पे भी। हमारा रशिया के साथ FTA साइन हुआ हुआ है। FTA का मतलब क्या होता है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। आपस में ट्रेड करेंगे लेकिन टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। सो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, एग्जिस्ट बिटवीन इंडिया एंड रशिया। रशिया इज इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ इंडियाज मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट एंड इज बिल्डिंग स्मार्ट सिटीज। ठीक है, रशिया जो है वो इंडिया के मेक इन इंडिया में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है और स्मार्ट सिटीज़ बनाने की कोशिश कर रहा है। हमारा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है ना, जो हम अपने देश में ही सब बनाना चाहते हैं, रशिया इज़ इन्वेस्टिंग अ लॉट इनटू इट। साथ ही साथ इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, टू कंट्रीज हैव सेट अ टारगेट ऑफ $30 million। देखो मैं आपको बताती हूँ क्या सीन है। इन्होंने ना इंडिया और रशिया ने क्या किया, 2025 के अंदर डिसाइड किया कि जब 2025 होगा ना, तो 2025 तक हमें $30 million का ट्रेड करना है। इनका ये कहना था कि हमें $30 million $30 million का ट्रेड करना है 2025 तक। लेकिन ये जो $30 million है ना,
ये इसकी लिमिट ऑलरेडी 2017 में ये लोग मीट कर चुके थे, मतलब 2017 तक ये लोग 30 मिलियन डॉलर का ट्रेड ऑलरेडी कर चुके थे। जो टारगेट इनको 2025 में अचीव करना था वो ये 2017 में ही कर चुके थे। तो अब इन्होंने एक नया टारगेट सेट किया है कि भैया अब ये जो ट्रेड करेंगे ना आपस में 2025 तक, वो होगा यूएस डॉलर 50 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन। 2025 तक इनका टारगेट है कि ये 50 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड आपस में एक दूसरे के साथ करेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर विद एवरीबडी, ट्रेड इज क्लियर विद एवरीवन। उसके बाद आते हैं और बात करते हैं डिफेंस की, क्योंकि यार आपस में लोग डिफेंस पे भी काफी ज्यादा ट्रेड करते हैं। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट, रशिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट फॉर इंडिया। तो डिफेंस की अगर हम बात करें तो रशिया इंडिया डिफेंस रिलेशनशिप हैव बिगन टू मूव बियॉन्ड बायर सेलर मॉडल। अब भैया हम कोई रशिया जाके बाय नहीं करते और रशिया कोई हमें बेचता नहीं है, ये अब उससे ऊपर निकल चुका रिश्ता, ठीक है, टू अ मोर कोऑपरेटिव रिलेशनशिप जहाँ पे अब हम जॉइंट रिसर्च करने लगे हैं। अब इंडिया के साइंटिस्ट, इंडिया के लोग, इंडिया के टेक्नीशियंस और वहाँ के टेक्नीशियंस जो है मिलके दे आर डूइंग अमेजिंग वर्क। अब ये कोलैबोरेशंस करने लग गए हैं, डिजाइन प्रोडक्शन रिसर्च और अपना मॉडल मार्केट में उतारने लगे हैं, कोलैबोरेटेड मॉडल मार्केट में उतारने लगे हैं एंड फिर उससे दोनों को कंबाइन मुनाफा भी होता है। सो नाउ डिफेंस का एक ऐसा रिलेशनशिप है जो अब बियॉन्ड बायर एंड सेलर हो गया इंडिया और रशिया का। इंडिया इज द सेकेंड बिगेस्ट मार्केट फॉर रशिया, रशियन डिफेंस इंडस्ट्री। तो भैया रशिया क्यों इंडिया को नहीं पूछेगा? अगर इंडिया इतना मुनाफा कराता है रशिया का, अगर इंडिया इतने ज़्यादा आर्म्स मार्केट, अगर इंडिया इतने ज़्यादा आर्म्स एम्यूनेशन रशिया से खरीदता है तो रशिया ऑब्वियसली बात है पूछेगा इंडिया को। एंड इन 2017 68% ऑफ इंडिया का जो हार्डवेयर है ना बेटा वो रशिया से आया है, 2017 के डेटा के मुताबिक। कल्चर की अगर हम बात करें तो इंडिया एंड रशिया हिस्टोरिकली इंजॉय टाइज इन कल्चरल स्फीयर्स। आपको पता ही है कि अमिताभ बच्चन, राज कपूर, दीज वर ऑल द फेमस हीरोज दैट वर वेरी मच फेमस इन रशिया ऑल्सो। द सॉन्ग्स वर प्लेड ऑल अलोंग इन रशिया। इंडियन सॉन्ग्स, इंडियन कल्चर हैज़ बिन एक्चुअली been liked by the Russian people out there. So India and Russia historically enjoy ties in cultural sphere. Long-term scholarly and student exchanges काफ़ी ज़्यादा हैं दोनों देशों के बीच में। Cultural festivals काफ़ी ज़्यादा होते हैं दोनों देशों के बीच में। Art exhibitions होती हैं, observance of the year of Russia in India and vice versa. So basically दोनों के relations जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा cooperative हैं जब हम culture की बात करें, defense की बात करें, ट्रेड की बात करें। सो दैट इज समथिंग दैट एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ वेरी क्लियर। ये आप लोगों को देखो मेरी बात समझो, एंड ऑफ बायपोलैरिटी के अंदर जो मैटर दिया हुआ है ना वो मैंने आपको क्यों इधर नहीं कराया, वो इसीलिए बिकॉज वो ऑलरेडी आप अभी तक रट चुके होंगे, ठीक है। बट ये इंडिया और रशिया का रिलेशन ना बेटा इंडियाज फॉरेन पॉलिसी में भी दिया हुआ है, समझ गए, मतलब इंडियाज फॉरेन पॉलिसी में भी इंडिया और रशिया का रिलेशन है, तो आपको इवेंचुअली उसके पर्सपेक्टिव से भी याद करना पड़ेगा। तो आप एंड ऑफ बायपोलैरिटी वाला मैटर तो याद करोगे, जो बहुत छोटा सा है, इतना बड़ा नहीं है। इसके साथ साथ आप ये ज़रूर याद करना बिकॉज एक्चुअल में ये आपको बहुत अच्छा मैटर मैंने दे दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक इसको लिखा नहीं है तो प्लीज़ जॉट द पॉइंट्स डाउन, आप लोग लिख लीजिए ताकि आप लोगों को जो है एक आइडिया लग जाए कि व्हाट द एंटायर सिचुएशन इज ऑल अबाउट। ठीक है जी, इंडिया और रशिया का, इंडिया और यूएसएसआर का रिलेशन कैसा था 1945 से लेके या 1947 से लेके 1991 तक, ठीक है। 1947 जब हमें आज़ादी मिली तब से लेके 1991 तक इंडिया और यूएसएसआर का रिलेशन कैसा था वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 1991 ऑनवर्ड्स इंडिया और रशिया का रिलेशन कैसा था वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया कि 1991 से लेके 2000 तक इंडिया और रशिया बिल्कुल आपस में काफ़ी कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं शेयर करते थे। 2000 में याद है एंड ऑफ बायपोलैरिटी में मैंने आपको पढ़ाया था कि इंडिया की इकोनॉमी जो है दैट गॉट स्टार्टेड रिवाइव, रशिया की इकोनॉमी रिवाइव होना शुरू हो गई थी। तो उस टाइम पे रशिया अपनी आइसोलेशन से बाहर आया एंड रशिया ने जो है अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश करे इंडिया के साथ। सो आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ वेरी क्लियर। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में हम लोग
इंडिया और यूएस का रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे. दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. सो प्लीज मेक श्योर दैट एवरीबडी ऑफ यू गाइज आर ज्वाइनिंग. अगली क्लास जो है वो आप लोगों को जब भी आएगी वो आपको पता चल जाएगा. बट आई रियली होप अपना फीडबैक जरूर कॉमेंट सेक्शन में दे के जाना कि हाउ डिड यू लाइक द वीडियो. एंड अगर आपको कुछ ऐड करना है या फॉर दैट मैटर देयर इज एनी डाउट, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं डेफिनेटली उसको रिजोल्व कर दूंगी, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं. प्लीज मेक श्योर दैट यू आर हिटिंग द लाइक बटन, यू आर subscribing to the channel, that's important everyone. And at the same time, tata guys, bye bye, have a great day, and I miss you actually a lot. Okay, so see you guys, thank you so much for joining. Milte hain hum log agli class mein.